भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में घटित हुई चोरी लूट व डकैती की सात वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद करने के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को मुख्य बाजार में जुलूस निकाला गया। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवावा ने बताया कि नदबई कस्बे में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही थी और लोगों में चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने के चलते पुलिस के प्रति भारी रोष था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की विशेष टीम ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से पूछताछ कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को चिन्हित कर नजर रखना शुरू किया। नदबई पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से सोना चांदी के आभूषण, नकदी, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद करने के साथ साथ करीब 15 लाख रुपए का माल बरामद किया है व अन्य सामान के बरामदी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने चार आरोपियों के अलावा चार नाबालिगों को भी निरुद्ध किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रूपेश उर्फ ओपी पुत्र गंगाराम, अशोक पुत्र रामनिवास, राघव पुत्र वीरेंद्र, दीप शिखर उर्फ लाला पुत्र हरेंद्र पाल सिंह नदबई कस्बे के निवासी के रूप में हुई है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी आरोपी मौज मस्ती के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों का पुलिस के द्वारा मुख्य बाजार में जुलूस निकाला गया।